अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक मरतबा फिर आपको प्यारा रमज़ान में खुश आमदेद कहते हैं। और क्या मटन बिहारी पुलाव बन रहा है? बिहारी मटन पुलाव या मटन बिहारी पुलाव? अब इसको मैंने अभी थोड़ा सा कुछ तैयार किया है। अभी मैंने इसमें पहले तेल डाला, उसके बाद मैंने इसमें प्याज खशखाश प्याज को ब्राउन किया, और मैंने उसके बाद फिर इसमें लहसुन थोड़ा सा उसको पकाया, फिर अदरक थोड़ा सा पकाया, फिर गोश्त। अब ये गोश्त डाल दिया है। और अब सैयदा तूबा आमिर तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं, क्या बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ मटन बिहारी पुलाव, मेरा फेवरेट। आपको तो बिल्कुल नहीं पसंद मटन? कितना झूठ बोलते हैं आप, सिर्फ चिकन खाती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और हम ड्रिंक क्या आज बना रहे हैं? बनाना हमने जो है वो हरी मिर्च का जो है पेस्ट डाल। अच्छा, मैं इधर ही आ जाती हूँ। ठीक है ना, हरी मिर्च का पेस्ट डाले पूरा। अभी इसमें हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया, और अब इसमें हम ये सारी चीज़ डालेंगे। लौंग, लौंग, इलायची है, इलायची कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, मैं मारिया बात कर रही हूँ। जी मारिया, कैसी हैं आप? कैसी हैं मारिया? वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, हेलो। आप अपने टीवी की आवाज बंद करें, पहले टीवी की आवाज बंद करें। आमिर भाई, मैं मारिया बात कर रही हूँ कराची से। जी मारिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आमिर भाई। मारिया टीवी की आवाज बंद करें, मारिया टीवी की आवाज बंद करें, कर जी मारिया। बड़ी फैन हूँ, आप जिस भी चैनल पे आते ना तो मैं आपका शो देखती हूँ हमेशा। अच्छा, टीवी की आवाज बंद कर दी? जी टीवी की आवाज बंद कर दी। अब करें बात आप? जी जी, अब करें बात जी। हेलो आमिर भाई। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत खुश है मारिया सर। मारिया बहुत खुश है जी। मारिया बताएं, बात करें मारिया। जी जी आमिर भाई, मैं मारिया ही बात कर रही हूँ। मारिया मैं आमिर भाई बात कर रहा हूँ, आमिर भाई बात कर रहा हूँ, आमिर भाई बात कर रहा हूँ, आमिर भाई बात कर रहा हूँ। आप मारिया बात कर रही हो? मारिया बात कर रही हो, मारिया बात। आगे चलो। जी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं इतने दिनों से आपको कॉल मिला रही थी। अच्छा, लेकिन कॉल मिल ही नहीं रही थी। चलो मिल गई, अच्छा हुआ। क्या करती हो मारिया? जी मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, किस क्लास में? जी मैं अभी मैंने रिसेंटली मैट्रिक किया, मैं इंशाल्लाह इंटर करूंगी। इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। कितने भाई आपके? कितने भाई बहन भाई आप लोग? जी तो बोले बोले। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम सात बहन भाई हैं। माशाल्लाह, अच्छा ठीक है। तो अब्बू क्या करते हैं? अब्बू की मेरे गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा 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 जी, अल्लाह ताला अब्बू को आप खुश रखे, खुश खुर्रम रखे, आपके लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमने बनाना गुलबहार पीच ड्रिंक, अजीब गरीब नाम है, क्योंकि गुलबहार भी है, बनाना भी है, आड़ू भी, आड़ू आड़ू। तो हमने आड़ू डाले, केला डाला, बर्फ़ डाली है, अब हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, और ये ब्राउन शुगर थोड़ी सी। अच्छा, आपको पता है कल जो आपने वो बनाया था फालसे का ड्रिंक जो था? हाँ। वो इतना अच्छा था। अच्छा, मैंने ही पिया है ज्यादातर। मैंने इफ्तारी कम की है और मैंने वो ज्यादा फालसे का जो शरबत बनाया था आपने, अच्छा बहुत अच्छा, आपको काफी। बहुत अच्छा था। मुझे फालसे वैसे भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है? हाँ, बहुत पसंद। ठंडे मीठे फालसे, लज्जत वाले फालसे। और आपने कलर भी आज वही पहना हुआ है? हाँ, मेरे अब्बू जब हयात थे ना जी, मेरे लिए फालसे लेके आते थे। हैं ये जनाब, ये शरबत तैयार हो रहा है। अच्छा, अब इसमें हमने जो है वो थोड़ा सा पानी और डाल लें। ये यखनी है ना? यखनी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ये ऑलरेडी बॉइल्ड था। अभी डिबेट में जो जीती है वो कौन जीती है? तूबा, वो अनुषा, अनुषा नसीम। जी अनुषा नसीम। आप मुझको नाम बता रही थी, याद रखिएगा नाम। नहीं, मैं वहां से मुस्तकिल रिपीट कर रही थी, आप तक नाम पहुंच गया था कि मुझे याद हो जाए। अनुषा नसीम जीत गई आज का मुकाबला।
अयाज मिमन मोतीवाला साहब का कहना था कि उनको अगले राउंड में भेज दें। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुषे, हो गया सही। अब क्या होगा, अब एक बड़ा जबरदस्त काम होगा, लेकिन पहले अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फातिमा, कैसी हैं? जी ठीक हूँ। आबिर भाई, हमें पर्सनली आपसे बात करनी है। अच्छा। हम बहुत परेशान हैं किसी सिलसिले में ना। अच्छा बेटा, अपना नंबर हमूद। जी जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हमूद नंबर लिखिए, आप अपना नंबर लिखिए इनका, बाद में बात करते हैं। यकीनन लिख लिया होगा, इसलिए उनकी कॉल पीछे। फिर आ गया। अच्छा, ये इसी यखनी के अंदर ही बॉईल होंगे चावल, यखनी में ही बॉईल होंगे चावल? यखनी में बॉईल क्या होंगे, बड़े शानदार अभी खिले खिले निकलेंगे। ये देखिए आप, अभी कोई मुझे लगता है कि मैं अपने एक रेस्टोरेंट खोलूं। वैसे अब आप ये बताएं कि आप कब खोलेंगे अपना रेस्टोरेंट? आप मुझे बताएं ना, आपने क्या प्लान किया है? क्या नहीं, ये तो आप डिसीजन लेंगे ना। बताएं आप कब खोल रहे हैं रेस्टोरेंट? सिकंदर से पूछेंगे। नहीं, आपने क्या प्लान किया है कि इस साल के एंड में, या और वो क्या आप किस तरह के खाने उसमें आप हम एक्सपेक्ट करें? मैं देसी या देसी खाने बनाऊंगा। अच्छा, और मतलब उसमें टॉप 3 डिशेस कौन सी होंगी? नहारी, बिरयानी, बिरयानी दूध दुलारी जो आपने इन्वेंट की है, दूध दुलारी बिरयानी और AFC, ये 3 टॉप 3 हैं। और वैसे मतलब ये आप पूरा वो वाला रेस्टोरेंट रखेंगे जिसमें और भी चीजें हो, या मेन डिशेस बस रखेंगे कि जैसे होता है ना सारी बातें? नहीं, अच्छा है ना, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आप रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। बादामी कोरमा भी रखेंगे सर। ठीक है, और उसमें हम शाही हलीम भी रखेंगे, उसमें हम खड़े मसाले का कीमा भी रखेंगे, हम उसमें चिकन निजामी भी रखेंगे, और वीकली बर्गर्स होंगे। बर्गर रखेंगे? बर्गर कभी कभी, मतलब चिकन रिक्वायर्ड है? नहीं चिकन, अभी आपने कहा चिकन कोरमा रखूंगा मैं, बादामी। अच्छा जी, बादामी कोरमा मटन होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी आमिर भाई, मैं अवैध बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब अवैध भाई, आमिर भाई मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जनाब, जो आपका सेगमेंट होता है ना उल्मा वाला, वो जरा जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि लाहौर में अब तारी जो हो जाती है वो जल्दी हो जाती है। कराची वालों का क्या करूं? तारी का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, जो तो पहले आपका टाइम था सर 5:30 बजे कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि हमें अच्छा, पता नहीं चलता जो टाइम होता है। कुछ लाहौर वालों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसा आपका हुक्म, आपका भाई, आपका हुक्म सराखों पर। हाँ जी, अच्छा तो क्या कह रहे हैं? वैसे मैं आपके वैसे तो रेस्टोरेंट की बात कर रही थी। हाँ, हम कंट्रास्ट में हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब ये कि ये वाली अच्छा, ये दुपट्टा मिलता है। हाँ, मतलब ऐसे वाले कलर से कंट्रास्ट में तो हम लोग वैसे भी हैं। तो मैं वैसे अभी फ्यूजी कलर वालों ने मैं स्पॉन्सर किया। अच्छा, ये अभी कॉलर जो बात कर रहे थे 5:30 बजे, तो वैसे आपका सबसे हमेशा जो मैंने भी हम सब ने वॉच किया, आपका स्टेटमेंट जो था वो यही था, मतलब आलम ऑनलाइन जो आप अभी कर रहे हैं जी। ये मैं कहती हूँ ये ऐसा सेगमेंट और ऐसा प्रोग्राम है जो हर घर में देखा जाता है, जिसकी फैन फॉलोइंग थ्रू आउट पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी है। आमिर ऑनलाइन जी, माशाल्लाह से अभी आमिर ऑनलाइन है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपका कंसेप्ट है, तो वो आप सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इस पूरे जो आपने सेगमेंट इतने सालों से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? मेरी सबसे बड़ी लर्निंग इसमें जी उलमाओं के साथ बैठ के हर चीज ओवरऑल आपका क्या, आप अपना एक्सपीरियंस अगर कुछ वो करेंगे? मैंने कुछ तकरीबन इस प्रोग्राम के जरिए 5 लाख सवालों के जवाब दिए। माशाल्लाह, कितने? 5 लाख। 5 लाख उसमें किताबों में लिख रहे थे, तो जो एक्सपीरियंस है वो ये कि उलमा से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी में तब्दीली भी आई, बहुत अपने आप को बेहतर किया, चीज़ें हमें भी नहीं पता थी अब पता चलती है, और फिर हमने पढ़ने की आदत डाली, तो अब पढ़ कर हमें पता होता है हम जो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी है। और पहले पढ़ने की इतनी आदत थी नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी शौक आपको तो, शुरू से था। हाँ, बहुत तो आप सोचिए ना कि आलिम ऑनलाइन, आलिम ऑन एयर, आलिम और आलिम, आलिम और आलम, आलम और आलिम, आमिर ऑनलाइन,
इन सबको अगर देखें तो 20 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह साहब, देखिए कितनी लंबी जर्नी है ये 20 साल, और ये आगे तक चलती रहेगी क्योंकि लोगों ने हर वक्त में इसको पसंद किया है और हर वक्त में रेलेवेंट सवालों के जवाब हमें इसी प्रोग्राम के थ्रू गाइडेंस मिलती रही है। एक वक्फा ले लूं, वक्फा ले लूं महमूद। अच्छा कॉल 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 कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। मैं नूर फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। ओहो नूर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बड़ा मिस किया, उसने पहला रोजा रखा था इस साल। और अम्मी कैसी है? अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है, अम्मी भी बहुत दुआएं दे रही हैं, बहुत मिस कर रही हैं आप सबको, लेकिन हम आ नहीं सकते, जाहिर है मसले बताए। ट्रांसमिशन कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। मैं पहले रोजे से फॉलो कर रही हूँ, सहरी में भी देखती हूँ और तारी में भी देखती हूँ और तुबा को भी देख रही हूँ। माशाल्लाह तुबा कैसी लग रही है? थैंक यू नूर, तुबा बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कैसी हो तुबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं नूर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। आप दोनों को देख के साथ बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा अच्छा लगता है। इस सेगमेंट में खास कर जो है टाइम निकाल के देखती हूँ क्योंकि अच्छा डॉक्टर मुझे एक फरमाइश करनी है भैया, मेरी फरमाइश पूरी कर दें प्लीज। बताइए बताइए। AFC बना दे खुदा का वास्ता, AFC के चक्रों में जो है ना मैं जो है मूड की परवाह आने वाला है। अब कैसे बता सकते हैं वो उसकी रेसिपी? AFC पर हम पोलिंग करेंगे आज। वैसे पोलिंग होनी चाहिए। देखो AFC जो है ना वो एक सीक्रेट रेसिपी है नूर, वो ऐसे नहीं होती, वो बहुत सीक्रेट है। वो बना दे या तो आप। अब देखो ना वो मैंने मैंने डीप फ्रायर में डाल के दिखा दी। अब ये कि उसमें मैंने देखा था उसका वो लगना क्या है, उसमें क्या क्या लगना है, कैसे बनना है, ये तो कोई बता ही नहीं सकता, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये तो होगा लेकिन लेकिन वैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मेरा पोल तो में नो का है। है? जी डॉक्टर तुम आ गई जवान हो क्या? अगर ये तो होगा तो फिर ये तो होगा। ये तो होगा, यही तो मसला है, लोग समझते नहीं है, नजर लग जाती है, ऐसी बातें करते नहीं है, नजर हाँ, लग जाती है। ये तो मसला है, इस कौम का समझते नहीं है। मलीर में बहुत, मलीर में सिकंदर आजम को मलेरिया हुआ था, पता है? अच्छा मुझे वाकई जिस वजह से मलेरिया मलीर है वो नहीं बता नहीं वाकई बड़ी अहम मालूमात। मलीर में मलेरिया हुआ था और ये जो इंडिया गयासुद्दीन बलबन बादशाह था, अच्छा। तो वो यहीं पे आए थे इधर गुलिस्तान जौहर में, उसे किसी ने परफ्यूम लगा दिया था तो परफ्यूम चौक हो गई। कैसी कैसी हिस्ट्री? आप बता रहे हो आप? नहीं आप सीरियस हैं? नहीं मैं बता रहा हूँ, जब मलेरिया में मलेरिया हो सकता है तो वहाँ, और इसके अलावा भी है वो मैं बताता हूँ ना सुने। मोहम्मद बिन कासिम यहीं पर 2 मिनट एक जगह रुका था, वो 2 मिनट की चौरंगी है। और वो नागन चौरंगी? नागन चौरंगी, हाँ नागन चौरंगी वो यू है। नहीं पता, मैं एक्चुअली मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, वो इच्छाधारी नागन अपने लाभ को तलाश करती हुई नई कराची चली गई थी, तो वहां पर बैठी वो किसी ने देख लिया नागन चौरंगी। ये है भाई इसी तरह है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हिस्ट्री में इतने ऐसे ऐसे वाक्य, ऐसे अजीब अजीब चीजें है। हाँ एक और ब्रेक लूंगा उसके बाद। वो एक एक एक, एक जगह है, हाँ। वहां पर जो है वो शेरशाह सूरी ने अंडे मोड़े थे, अंडे रखे ना मोड़े थे उनको ऐसे ऐसे, वो अंडा मोड़े ऐसे, कैसे किसने ये क्रिएटिव नाम रखे हैं? ये आए भाई यहाँ पे बड़े बादशाह ही करके गए, क्या कह सकते हैं। और आप मतलब ये अच्छा छोड़ो वफर एक बात हाजिर होते السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طویل بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور ہم نے مٹن بہاری پلاؤ تیار کر لی۔ نورِ سحر
पेशे इफ्तार की तैयारियां। दिख रही हैं आप ये दिख रहे हैं कि खुशबू कितना खूबसूरत है और ये कितना हसीन, आप ये देखें कितना दिलफरेब बोटियां हैं, वो कितनी सॉफ्ट नजर आ रही है, कितना शानदार, कितना वजादार। और उसमें जो एक पुलाव की वो होती है ना हल्की हल्की एक स्टिक स्टिकी सा जो एक वो होता है वो भी बहुत जबरदस्त काम, जबरदस्त। अच्छा जी ये हो गया, ये देखा जबरदस्त। अब मैं आपको बता रहा था उस वक्त हमने वक्फा लिया था, और भी कराची में बहुत सारी जगह है, जैसे कि एक जगह पर मेरे ख्याल है कोई 1821 में मच्छरों का आलमी इज्तिमा हुआ था, सारे मच्छर जमा हुए थे, हर किस्म का मच्छर, डेंगी, काला, मोटा, टिंडा, टेढ़ा, सब सारे मच्छर जमा हुए। उस जगह का नाम अब मच्छर कॉलोनी है, 1861 में। और उसके बाद 1921 में एक जगह पर एक बेचारी की लड़की की शादी होने वाली थी, कुंवारी थी वो, उसको किसी बादशाह ने कत्ल करवा दिया, अब वो कुंवारी कॉलोनी कहलाती है। बता रहा हूँ आपको, आप अजीब बात करें। हाँ अच्छा, एक 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 हमारे यहाँ कराची में एक और जगह पर है, वहाँ पर एक सब्जी वाले के सारे करेले गिर गए। तो उसका नाम क्या? करेला मोड़। ओ नो, करेला मोड़ उसका नाम। और जब नाजी हसन शुरू शुरू में आई थी ना जी, हमारी नाजी हसन जी जी, तो उन्होंने गाना गाया था डिस्को दीवाने, बिल्कुल, तो उन्होंने गुलशन इकबाल में खड़ो के गाया था, तो वो डिस्को, वो डिस्को बेकरी वहाँ। और उसके अलावा जो है वो भारत में तो बनारस बहुत बाद में है, हमारे यहाँ पहले बनारस, बनारस के पास ही जो है वो एक बच्चा था छोटा, कोई 1822 में वो पहाड़ी को काट रहा था, तो कटी पहाड़ी हो गई, बच्चा था छोटा सा, पहाड़ी को काट रहा था, पहाड़ी को रहा था, काट पहाड़ी को रहा था, कटी पहाड़ी। और उसके अलावा जो है वो कराची में पहली मरतबा जब लोगों ने एक बड़ा बोर्ड देखा तो उसको बड़ा बोर्ड कर दिया, फिर छोटा बोर्ड देखा, छोटा बोर्ड, और वो बोर्ड बेसन क्या था? है बोर्ड बेसन, बोर्ड बेसन तो ये था कि वो एक ऐसी बोर्ड बनी थी यहाँ पर जिसमें बेसन लगा हुआ था, उस वजह से बोर्ड बेसन हो गई। वैसे पता है ये बहुत, ये मेरी सारी मालूमात है, मैं आपको, मैं और एक और बात बताऊँ, एक बोर्ड लगा था किसी ने कुछ लिखा ही नहीं, वो काला बोर्ड हो गया। और वो जो हमारे जो हम जब एक्सप्रेस की तरफ आते हैं तो ये नेशनल हाउसिंग फाइनेंस उसकी बिल्डिंग से गुजरते हैं, तो वहाँ पर जो है वो एक एक बहुत ही कोई मतलब बड़े हमारे पुराने बुजुर्ग ने बताया था कि, अबे रुक जा भाई एक मिनट, बहुत ही पुराने बुजुर्ग ने बताया था कि उस वक्त वहाँ पे काले हिरन फिरते थे उस जगह पे, तो उसका नाम क्या हुआ? काला पुल। ओह, फिर काले हिरन नहीं रहे, काला पुल है। और उसके साथ ही गोरा कब्रिस्तान है, उसमें सारे सब सब गोरे नहीं दफन होते, लेकिन गोरा है वो, गोरा कर दिया उसे, क्यों पता नहीं गोरा क्यों है, ऐसा नाम, अभी क्या पता गोरा है उसमें, कोई काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, वो गोरा है, वहाँ जो भी दफन होगा गोरा होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी, अब एक मुझे याद आ रहा है अपना, है नहीं शफीक बोल रही यार, हाँ एक है वो जहाँ सारे बेरोजगार जमा होते हैं, बेरोजगार चौक, ये मेरे ख्याल में पहले होते नहीं, नहीं नहीं पहले नहीं होते थे भाई, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब हाँ। तो उसके लिए नाम रख दिया, मतलब मैं ये कह रही हूँ, कहता है कोई नहीं होते थे जमा भाई, वहाँ वहाँ बैठते थे वहाँ पर आकर। अच्छा। अब ये देखे ना वो जब टीपू सुल्तान ने ये कॉल कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी से गीदड़ की, तो गीदड़ कॉलोनी बन गई। अच्छा अच्छा, सबसे गीदड़ की 100 साल जिंदगी बहुत अच्छी है, गीदड़ कॉलोनी बना ली। ओह नो, गीदड़ कॉलोनी हमारे यहाँ भाई, हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ वो एक लियाकताबाद में डाकखाना भी है, जबकि वो डाकखाना नहीं है लेकिन वहाँ डाकखाना है, नाम है डाकखाना उधर है। उसके अलावा वहाँ पर हमारे यहाँ हमारे एक मोची बोर्ड भी है, बिल्कुल है, सारे मोची में ही बैठते थे, फिर मोची बाद में डिस्बर्स हो गए, कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गया, शुरू में सारे मोची की जगह बैठते थे, मोची बोर्ड हो गया।
ये ऐसे बहुत 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 सारे वो इंजमामुल अखले जब रन छोड़ के भागे थे, सही है, उसमें जो थ्रो मारा था तो रन आउट हो गए थे, तो रन छोड़ लाइन होगी, एक रन क्यों नहीं लिया उन्होंने, तो ऐसे बहुत सारे। बाकी जहाँ पे मीठी मीठी बातें होती है वो मीठा दर है, जहाँ खारी खारी बातें होती है वो खारी दर। अच्छा अब अखले क्रिएटिव बातें मजाक कर रहे हैं।